क्योंकि आज एक बहुत ही एक अच्छा दिन है, 16 नवंबर का ही आज। और आज पता है क्या है, आज अंकल जी एंड आंटी जी की भाई एनिवर्सरी है, रचित के मम्मी पापा की एनिवर्सरी, 25th सिल्वर जुबली। मैंने घर से कपड़े पार्सल करवाए हैं, घर से भाई मेरा ब्लेजर कोट पैंट वगैरह आ रहा है रचित के घर सीधा डायरेक्ट। तो चलो गाइस चलते हैं अंदर। ओह माय गॉड, यहाँ पे भाई क्या लिखा है, आंटी अंकल जी की फोटो लगी है और लिखा है भाई वेलकम टू द 25th एनिवर्सरी। ये देखी देखी लग रही है। ओ एक्सयूवी भाई, अच्छी लग रही है, क्या बात है, ऐसा लग रहा है नहीं लाया रचित आजी, है ना। ये देखो गाइस इसके न्यू हेयर कट, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। मैं थोड़े से यू नो अपने दोस्तों के साथ था, कैसे घूर रही है। काफी सब्सक्राइबर्स मिले यार, तो जो भी यार सब्सक्राइबर मिलने आए, बहुत लोगों ने फोटोज क्लिक कराई, तो भाई सबको थैंक यू। प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, हैप्पी एनिवर्सरी अंकल आंटी जी को। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो और तुम्हारा भाई भी बहुत बढ़िया है यार। और गाइस आज सुबह से इतनी भागम भाग में हो ना, क्योंकि आज एक बहुत ही एक अच्छा दिन है, 16 नवंबर है गाइस आज। और आज पता है क्या है, आज अंकल जी एंड आंटी जी की भाई एनिवर्सरी है, रचित के मम्मी पापा की एनिवर्सरी, 25th सिल्वर जुबली। तो गाइस आज भाई उसी की प्रिपरेशन में, रचित तो कल ही चला गया था, हालांकि उसने मुझे कहा था कि आज दोपहर तक मेरे पास आ जाइए, बट मैं दोपहर तक तो नहीं पहुंच पाया, बट अभी पहुंच रहा हूँ, सबसे पहले निकल गया हूँ। मिक्की माउस, शोना, सिब्बू सब अभी गुड़गांव में हैं, ये लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, मैं अकेला निकल गया भाई, क्योंकि रचित कह रहा था तू जल्दी आ जाइए, थोड़े एक दो काम करने हैं। मैं कहा ठीक है भाई। तो चलो गाइस निकल गया हूँ, अभी रेडी वेडी नहीं हुआ हूँ मैं, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल नहा धो के टी शर्ट डाली और निकल गया, और वहीं जाके रेडी होंगे। और मैं बस भाई कपड़े भी नहीं, आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने घर से कपड़े पार्सल करवाए हैं, घर से भाई मेरा ब्लेजर कोट पैंट वगैरह आ रहा है रचित के घर सीधा डायरेक्ट, अब वहीं रेडी होंगे और वहीं से सीधा पहुंचूंगा भाई जहाँ पे प्रोग्राम है। तो चलो गाइस अभी जस्ट निकला हूँ और पहुंचते हैं, दिखा रहा है एक घंटा, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ भाई, बहुत जल्दी मैं हूँ सच बता रहा हूँ, वरना रचित भाई सुबह से लिटरली बता रहा हूँ 10 बजे से इतने कॉल करे ना, मेरी आंख खोल दी, एक तो मैं सुबह सोया भाई व्लॉग एडिट वगैरह करके, उसके बाद भाई उसने मेरे को क्या बताऊं मैं नींद खोल दी। कोई नहीं, चलो आज भाई एक अच्छा दिन है, एक अच्छा शुभ दिन है, और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आंटी और अंकल जी को, और आप लोग भी भाई अच्छी अच्छी विशेष दे दो, कमेंट कर दो हैप्पी एनिवर्सरी। तो चलो गाइस पहुंचते हैं रचित के पास। तो गाइस बस पहुंचने वाला हूँ, बस आई गया रचित का गांव, ये लो भाई लेफ्ट ले लिया, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, भाई साहब इतनी गालियां सुना रहा है मेरे को, कोई बात नहीं सुन लेता हूँ यार। तो चलो गाइस पहुंचते हैं और मेरे को रेडी भी होना है फिलहाल। तो गाइस अब जाके मैं फाइनली रेडी हो गया हूँ यार, और इतनी भाग दौड़ रचित ना भाई सच बता रहा हूँ ऐसा सर पे बैठ जाता है। अब तो चलो रेडी हो गया हूँ गाइस, अभी फिलहाल मैं रचित के गांव में ही हूँ, तो रचित वगैरह सब लोग चले गए हैं वेन्यू पे, गेस्ट वगैरह आने लग गए हैं, और थोड़ी सी रचित वहाँ पे प्रिपरेशन देख रहा है, मैं किसी काम से भी यहाँ पर आया हूँ, तो बस अभी जा ही रहा हूँ वहाँ पे, फिर आपको लोकेशन दिखाते हैं ठीक है। बाकी अमन भी आ गया, हाँ अमन भी आ गया, अमन से मिलवाता हूँ चलो। बाकी सिब्बू, शोना, मिक्की माउस ये सब ऑन द वे हैं, इनका लगेगा आने में कितना, एक घंटा करीबन। तो गाइस गाड़ी लगा दी है और भाई बोरी लोकेशन, और ये अमन राणा, हाँ भाई क्या हाल है, बढ़िया, कहाँ गायब हो इतने टाइम से। अच्छा मैं गायब हूँ। अरे भाई कहाँ गायब हो, घर पे अपने पन्नी लेकर आए हो, पूरी डिग्गी भर के जाएगी ना। ओहो अच्छा भाई, आज तो अमन की क्विड आ रखी है, क्या बात है भाई, माचिस की डिब्बी जैसी क्विड। गाइस एक चीज बताता हूँ, इधर अमन इधर जल्दी जल्दी इधर भाई, अमन की हाइट देखो भाई, अमन ऊंचे पे खड़ा ठीक है बेशक, और अमन की गाड़ी की हाइट देखो भाई, कहाँ इतना पैसा दबा के बैठे हो, ले लो कोई, ले लो एसयूवी, कहते रहते भाई लूंगा बड़ी गाड़ी लूंगा, ले लो जनाब ले लो, टाइम आएगा बहुत जल्दी आएगा, जल्दी लोगे तो चले अंदर। चलो तो चलो गाइस अमन भी आ गया है और अब हम जा रहे हैं अंदर, रचित अंदर ही है, सबसे मिलते हैं अब। तो चलो गाइस चलते हैं अंदर। ओह माय गॉड, यहाँ पे भाई क्या लिखा है, आंटी अंकल जी की फोटो लगी है और लिखा है भाई वेलकम टू द 25th एनिवर्सरी रचना एंड करमवीर सिल्वर जुबली। चलो भाई अंदर। ये देखी देखी लग रही है। क्या ये देखी देखी लग रही है। ओह एक्सयूवी, अरे तो दहेज में जा रही है लग रहा है। ओह माय गॉड, चलो यार भाई अच्छी लग रही है, क्या बात है, ऐसा लग रहा है नहीं लाया रचित आजी, है ना। भाई क्या हाल है, बढ़िया, अपने बाल तो दिखा दे, बाल देख, ये देखो गाइस इसके न्यू हेयर कट, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। खा ले भाई कुछ, खा ले भाई कुछ, हैं खाऊंगा साथ में आएंगे ना। हेलो गाइस सिब्बू आ गई, हाँ भाई मिक्की माउस वहाँ जाए यार, वहाँ पे देख मिक्की माउस लगा हुआ है, वहाँ देख, सोना भी आ गई गाइस, हेलो मम्मी भी आ गई और बहन भी आ गई, सारे आ गए भाई, खतरनाक रास्ता था मम्मी, बहुत तो ठीक लगा, मतलब मम्मी दूसरे रूट से आए हैं, ये लोग दूसरे रूट से आए हैं, हम जिस रूट से आए थे हमें वो ठीक
गाइस कुछ ऐसा सीन है भाई, शाम से जब से आया ना भाई मस्त एकदम व्लॉग वगैरह ज्यादा बना नहीं पा रहे और बढ़िया फोटो वोटो चल रही है और इतने सारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, इतने सारे भाई बढ़िया पार्टी शार्टी चल रही है, बढ़िया हम लोगों ने स्नैक्स खाए, डिनर करेंगे, बढ़िया केक कटिंग हुई, बढ़िया डीजे वीजे पे डांस चल रहा है। चलो गाइस अभी मिलते हैं आगे। और बाकी सोना ये रही, सोना खाना वाना हो गया है, पैक तो नहीं करा के ले जा रही, जस्ट जोकिंग गाइस। तो गाइस पार्टी तो अभी तक भाई चली रही है बट मम्मी पापा और बहन तीनों निकल रहे हैं घर और मैं सोना सिब्बू वगैरह हम रचित हम तो सब यहीं पर ही हैं, हम तो लेट नाइट जाएंगे। बाकी भाई ये लोग आए थे कैब से और ये कैब से ही वापस जा रहे हैं, तो बाय 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 पापा, बाय मम्मी, बाय बाय भैया, बाय। तो भैया इस गाड़ी में आए थे, इसी गाड़ी में जा रहे हैं। चलो गाइस हम तो जा रहे हैं अंदर, चल सोना। चलो गाइस गए मम्मी पापा, बाय बाय, चले सोना अंदर है। चलो गाइस अब हम जा रहे हैं अंदर, मस्त डीजे में नहीं नाची तू आज, क्या बात है ना। मैं नाचा गाइस थोड़ा, मम्मी पापा के साथ थी, मम्मी पापा की टेक केयर कर रही थी और मैं थोड़े से यू नो अपने दोस्तों के साथ था। चलो गाइस कैसे घूर रही है। चलो गाइस चलते हैं अब अंदर, मस्त कुछ खाते हैं, कॉफी पीते हैं गरम गरम। गाइस पार्टी वगैरह सब एंड हो चुका है भाई, सब लोग घर जा चुके हैं और हम लोग अभी तक यहीं पे हैं भाई, भैया वगैरह सब लोग और रच फिलहाल यहीं है क्योंकि वो कल आएगा गुड़गांव और मैं सोना मिक्की सिब्बू हम चारों जा रहे हैं भाई गुड़गांव। अपने पास अभी एक यागो है संतरा, तो गाइस दूसरी गाड़ी वो रही देखो टिगोर 7111। तो गाइस हम चारों निकल रहे हैं और आगे पीछे अपनी गाड़ी रहेगी और पहुंचते हैं गुड़गांव। भाई बढ़िया प्रोग्राम था आज का, बहुत अच्छा था। तो गाइस आपसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना हैप्पी एनिवर्सरी अंकल आंटी जी को और बस यही कहना चाहूंगा। बाकी फंक्शन बहुत अच्छा था, रचित ने काफी अच्छा ऑर्गेनाइज कर रखा था सब कुछ, बढ़िया खाना, बढ़िया लोग, काफी सब्सक्राइबर्स मिले यार। तो जो भी यार सब्सक्राइबर मिलने आए, बहुत लोगों ने फोटोज क्लिक कराई तो भाई सबको थैंक यू, वो चीज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट आपको मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगा गाइस। तो चलो गाइस फिलहाल चलते हैं गुड़गांव और बहुत तेज नींद आ रही है, चल के अब फिलहाल तो व्लॉग एडिट नहीं कर पाऊंगा, सुबह ही करूंगा, बस ऐसे ही प्यार देते रहो यार। चलो गाइस फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग निकल गए और भाई पीछे अपनी गाड़ी है वो सिब्बू चला रही है और मैं आगे हूँ और देखो भाई रात हो गई, एकदम सुनसान हो रखा है, रचित का गाँव है भाई, रात में एकदम सुनसान हो रखा है, लेफ्ट राइट भाई खेत ही खेत है। तो चलो गाइस फिलहाल ड्राइव कर लेता हूं और पहुंचते हैं गुड़गांव, ठीक है। तो गाइस घर पर पहुंच गए हैं और भाई बढ़िया एकदम धुआंधार गाड़ी चला कर आए हैं, सिब्बू ने बिल्कुल गाड़ी चिपका रखी थी भाई मेरी गाड़ी के पीछे। तो भाई इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूं और मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, ऐसे ही प्यार देते रहो, लव यू ऑल। पता ही आप सबको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना प्लीज। ठीक है गाइस, चलो गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय।